नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात होगी आपकी जन्म कुंडली में धन योग है या धन योग नहीं है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वह होते हैं जिन्हें बड़ी आसानी से कम प्रयास में समय पर बहुत धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़ता। दूसरे लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रयास मेहनत करने के बाद भी टाइम पर धन प्राप्ति नहीं होती और जब उनको जीवन में पैसा मिलता है तो उनका कीमती समय हाथ से निकल चुका होता है। आज मैं आपको दो ज्योतिष के बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा जिनसे आप मात्र दो मिनट में आपकी जन्म कुंडली में जान पाएंगे कि आप किस श्रेणी में आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय में अविलंब आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली खोलते के साथ ही आपको देखना है आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में, नौवें घर में और ग्यारहवें घर में कितने ग्रह हैं। इन तीन भावों में जितने ज़्यादा ग्रह होंगे, चाहे वह ग्रह उच्च राशि में हैं, चाहे नीच राशि में है, चाहे मित्र के घर में हैं या शत्रु के घर में हैं, लेकिन इन तीन भावों में जितने ज़्यादा ग्रह होंगे उतना ही व्यक्ति जीवन में धन संपन्न होता है, पैसे वाला होता है, कम प्रयास से अधिक सफलताएं मिलती हैं। ग्रह उच्च में होंगे तो उच्च स्तरीय पैसा आएगा, नीच में होंगे तो तिकड़मबाजी से पैसा आएगा, शत्रु के घर में होंगे तो परिश्रम से पैसा आएगा, मित्र घर में होंगे आसानी से पैसा आएगा। लेकिन यदि इन तीन भावों में ग्रह हैं, पहला, नौवा और ग्यारहवा, अब तीनों भावों में एक साथ ग्रह ना हो तो तीनों में से दो में ग्रह होने चाहिए, लगन में हो और नौवे भाव में हो या नौवे और ग्यारहवें भाव में हो, इन तीनों में से दो भावों में ग्रह होने पर भी व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, समय पर उसको धन प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जीवन में इन तीनों भावों में ग्रह स्थिति ना होने पर व्यक्ति को धर्म धक्के खाने पड़ते हैं, प्रयास करना पड़ता है धन के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र, देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्र। जीवन में बृहस्पति धन संपत्ति के, वाणी के और सुख के कारक होते हैं। देवताओं के गुरु और राक्षसों के गुरु जो शुक्र है वह लग्जरी लाइफ के, वैवाहिक जीवन के, रोमांटिक लाइफ के और आपका जो प्रेम जीवन है उसके प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों ग्रहों में से जन्म कुंडली में यदि दोनों ग्रह मजबूत स्थिति में है तो व्यक्ति का जीवन संपन्न और सुखी होता है। दोनों में से एक ग्रह के, शुक्र या बृहस्पति, कोई भी ग्रह, एक कमजोर स्थिति में है और दूसरा मजबूत स्थिति में है तो भी व्यक्ति का जीवन सामान्य से कुछ अच्छा होता है। लेकिन कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, दोनों ग्रहों के खराब स्थिति में होने पर व्यक्ति को पैसा होने के बाद भी, पद प्रतिष्ठा होने के बाद भी सुख सुविधाएं जीवन में ना के बराबर मिलती हैं। पीड़ा, बीमारी, टेंशन, मुकदमेबाजी, शत्रुओं का दबाव, परिवार का दबाव, इस तरह की समस्याओं से व्यक्ति को जूझना पड़ता है। तो दोस्तों, ये दो चीज़ें आपको देखनी हैं। पहला, नौवा और ग्यारहवें घर का अध्ययन करना है, इनमें कितने ग्रहों की स्थिति है, और बृहस्पति और शुक्र, इन दो ग्रहों का अध्ययन करना है आपकी जन्म कुंडली में, इनकी स्थिति क्या है। आपका चाहे जो भी लगन है, आपकी चाहे जो भी राशि है, आज की वीडियो सभी के लिए है और कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।